नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 9 जनवरी 2023 और आप लोगों को सारे कॉल्स मिल गए, टारगेट भी आ गया। कौन कौन सा कॉल्स दिया था वो मैं जरा एक बार आपको रिमाइंड करा दूं। क्यों आया हूं आपके सामने अभी लाइव मार्केट में इसकी बात करेंगे, तो कुछ एजुकेशन की बात ही होगी, है ना। तो देखिए जो मैंने आप लोगों को दिया था वो उसमें महिंद्रा था टारगेट डन, इंडसइंड बैंक टारगेट डन, बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन उसका भी टारगेट डन है ना, और उसके अलावा HDFC बैंक दिया था वहाँ भी हमारा एक टारगेट आ गया 1612 रुपए के आसपास का, 1611 था। तो ये सारे स्टॉक्स दिए और ऑप्शन भी दिया तो वहाँ पे टारगेट डन हो गया। अभी देखिए जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है ना, अभी 42700 के आसपास में बैंक निफ्टी है। समय हो रहा है दोस्तों पूरा के पूरा 12 बज गया, आपने अलार्म भी सुना होगा, तो 12 बज चुके हैं। अब 12 बजा है ना, तो यहाँ पर करना क्या है आपको ये समझते हैं। अभी मार्केट की वॉलिटिटी चूंकि बजट का सेशन है ना, बजट 1 तारीख को बजट अनाउंस होगा, तो बजट के वजह से क्या होगा ना कि मार्केट की वॉलिटिटी थोड़ा ड्राई रहेगा और इसी कंडीशन का रहेगा। तो इससे आप क्या करना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मौका चूक जाएंगे, नहीं ले पाएंगे कुछ, तो आप स्टॉक्स में पर्टिकुलर मत करिए ट्रेड। ध्यान सुनिए मैं जो कह रहा हूँ, आप स्टॉक्स में पर्टिकुलर ट्रेड करना अभी छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए, ठीक है। आप ETF में ट्रेड करिए। मैंने अभी टेलीग्राम पर और अपने मोबाइल ऐप पर एक ETF का वीडियो, मेरा थोड़ा ओल्ड वीडियो ETF डाला है कि क्या है ETF, है ना, व्हाट इज ETF करके एक, है ना, उसको आप देखिए। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। आप उस ETF को देखिए, ठीक है, आप उस ETF वाले वीडियो को देखिए, ETF काम कैसे करता है। तो अभी के सिनेरियो में कौन से ETF में पैसे लगाने, ETF क्या होता है, आप इसको इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं और स्टॉक्स के जैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। तो ऐसा फंड जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है उसको ETF कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप इसको स्टॉक्स के जैसा बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, इंट्राडे में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसमें कोई एक स्टॉक्स नहीं होकर पार्टिकुलर मार्केट होता है, होल मार्केट, होल सेक्टर। जैसे कि आप IT का ETF लेते हैं तो जितने IT स्टॉक्स हैं लीडर और बढ़िया स्टॉक, उन सब का छोटा छोटा पार्ट जो है ETF में आता है। तो आप अगर एक ETF भी लेते हैं तो उन सब IT स्टॉक्स का एक छोटा छोटा पार्ट भी आ जाता है, चाहे वो कोफोर्ज हो, माइंटी हो, LNT हो, कुछ भी। इसी तरह अगर आप बैंक का ETF लेते हैं तो सारे बैंकिंग स्टॉक्स के छोटे छोटे पार्ट्स आपके पास आ जाएंगे, जैसे बैंक बीज वगैरह होता है। अभी के सिनेरियो में मैं निफ्टी, बैंक बीज, ये दो ETF लेने की लोगों को बात करता हूँ। आज भी जब लाइव सेशन में स्टूडेंट लोग शामिल थे तो मैंने कहा था कि जो पैसा बनाया आप उसका ETF डिलीवरी लेके चले जाइए, एक कंडीशन तो ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या कर सकते हैं कि आप मिड कैप के ETF पर फोकस करिए। मिड कैप का ETF में मूवमेंट आने वाले समय में और भी बनता है, स्मॉल कैप का ETF शायद नहीं आता है। आप मिड कैप के ETF पर नजर रखिए, बढ़िया ETF आपको मिलेगा। बहुत सारे होते हैं, जैसे ICICI का भी होता है, HDFC का भी होता है। मैं अगर चेक करना चाहूँ तो हाँ देखा ही था, ICICI का भी होता है और HDFC का भी होता है, SBI का भी मिड कैप स्टॉक ETF होता है। ETF की बात कर रहा हूँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की। आप उस पर पोजीशन बनाइए और इसको लॉन्ग टर्म में भी लेके चल सकते हैं और इसको आप शॉर्ट टर्म में भी लेके चल सकते हैं। बजट के बाद फिर आप इसको बेच बाज सकते हैं, अगर नीचे के भाव पर आते एड भी कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी आपके लिए ETF अच्छा बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है, तो इस चीज़ को नज़र रखिएगा। बाकी जो ट्रेड है आपको, ट्रेड मैंने कंप्लीट करके दे दिया है और ये जो जानकारी वाली बात बता रहा हूँ कि ये आपको ETF पे लेके इसलिए भी चलना है क्योंकि जैसे कि लोगों को स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम होता है, सर अभी कौन सा स्टॉक्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये ऊपर जाएगा, ये कन्फ्यूज़न होता है लोगों में। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी के सिनेरियो में आप कन्फ्यूज़न में मत पड़िए, आप डायरेक्ट पूरा मार्केट खरीद लीजिए, पूरा मार्केट, है ना। तो पूरा मार्केट खरीदेंगे तो आप ETF के रूप में ले लीजिए। निफ्टी लेना चाहते हैं तो निफ्टी का बीज लेना होगा, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ ETF, निफ्टी 50 ETF, बैंक बीज आता है निफ्टी बीज आता है, निप्पॉन का आता है, SBI का भी आता है। बैंकिंग का लेना है तो बैंक बीज लेना होगा या आदित्य बिरला बैंक निफ्टी ETF लेना होगा, बहुत सारे होते हैं, ये नाम मैं बता रहा हूँ, आप इसमें से कोई भी चूज़ करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेशियो लगभग सबका सेम होता है। दूसरी बात है कि वो तो उसमें सारे बैंकिंग स्टॉक्स आ जाएंगे बैंक वाले में, और निफ्टी 50 का जो ETF लीजिएगा तो सारे निफ्टी 50 के 500 स्टॉक्स के पार्ट्स उसमें आपको मिल जाएंगे। किसी पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें, जैसे मिड कैप की बात करते हैं, तो मिड कैप में
जितने मिड कैप स्टॉक्स है वो होल स्टॉक्स का ETF निकल के आपके सामने में आ जाएगा। आप उस ETF को उठा लीजिए तो उसके अंदर जितने मिड कैप स्टॉक्स होंगे सब आ जाएगा ऑटोमेटिक छोटे छोटे पार्ट में। अब सारे स्टॉक तो ऊपर नहीं जाएंगे, सारे स्टॉक नीचे भी नहीं जाएगा, उसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो एक बेहतर मूवमेंट बना के देता है, वो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का काम करेगा अभी के सिनेरियो में जो मार्केट अभी डाउनफॉल में है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि मैं ऐसा एक मिनट ठीक है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, है ना, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, एक काम और कर ले, चलिए ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और उस पर आपको पैसा इन्वेस्टमेंट पर्पज से लगाना है। तो उम्मीद है जो ETF वाली बात मैं आपको समझा रहा हूँ वो ETF क्या है, अभी मैंने टेलीग्राम और अपने मोबाइल ऐप पर वो वीडियो डाला है, आप टेलीग्राम वाला भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ETF करके एक दिख जाएगा वीडियो, अभी रिसेंटली मॉर्निंग में मैंने डाला था, ओल्ड वीडियो है लेकिन ज़रूर देखिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ETF क्या है, ठीक है। तो चलिए, लाइव कॉल्स आपको मिल गए, टारगेट डन हो गए, इन्जॉय कर लिया होगा आपने मेरे मोबाइल ऐप और आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल पे। ऐसे लोगों को जिनको इस तरह की फ्री सर्विसेज की जरूरत होती है जरूर उसको फॉरवर्ड करिए मेरा चैनल का लिंक। अब बाकी प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए, एस्प्रेसो फायर स्लैश ब्लू एंजल बन 010 सेम को किसी एक में आपको वहाँ पे लाइव प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स में ऐड कर लिया जाएगा। दूसरी बात कि हैवल्स का मैंने स्टॉक्स दिए थे स्विंग कॉल्स में, उसके टारगेट आ गए, आप जाके देख लीजिए। सूर्या रोशनी बेहतरीन मूवमेंट, हैवल्स का तो खैर काम भी फिनिश हो गया लगभग लगभग। उसके अलावा आपको नॉर्टन ग्रीनवेल नॉर्टन दिया, उसके सारे टारगेट है। सिगाची इंडस्ट्रीज दिया अपने प्रीमियम स्विंग कॉल्स में, उसके टारगेट डन हो गए। सिगाची इंडस्ट्रीज के अलावा और एक स्टॉक्स दिया था अभी जस्ट ही दो चार दिन पहले, उसके भी प्रीमियम स्विंग कॉल्स टारगेट डन हो गए। वो स्टॉक्स कौन सा था मैं बता दूं, राजेश एक्सपोर्ट, उसके भी टारगेट डन हो गए, है ना। तो ये सब टारगेट डन हो चुके हैं, उम्मीद है आपने अगर स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में शामिल है स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप में तो इंजॉय किया होगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ETF वाले पे ध्यान रखिएगा, अपना पसंदीदा ETF चुनिए और उस पर आप पोजीशन बनाने की कोशिश करते रहे। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं, कोई पर्सनल बाइंग की सेलिंग यहाँ पे सलाह नहीं है, मैं सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।